हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैट्रेस का कवर। आपका मैट्रेस चाहे सिंगल बेड है, डबल बेड है, क्वीन साइज है या फिर किंग साइज है, सभी के लिए आप इस मेथड से बहुत ही इजीली मैट्रेस कवर बना सकते हैं। मैट्रेस को गंदा होने से बचाने के लिए आप मैट्रेस कवर ज़रूर बनाएं, और इसके लिए आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सके तब तक आप कॉटन फैब्रिक का ही यूज़ करें। और इसके लिए आप अपनी पुरानी बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छी खासी होती है, लेकिन उसके कलर अगर फेड हो चुके हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ मैट्रेस कवर बनाना। बहुत ही आसान मेथड है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इजीली बना भी पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा सिंगल बेड है और उसका ये मैट्रेस है। अब सबसे पहले कवर बनाने के लिए हम उसका मेज़रमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई मेज़र करते हैं। तो यहाँ एक साइड से हमें स्टार्ट करना है मेज़रमेंट लेना, और यहाँ पर देखिए ये सेकंड साइड, ये मेरा 29 इंचेस हो रहा है। और इसका जो ये साइड का बॉर्डर है, जो इसकी चौड़ाई है, वो हमें नापनी है यहाँ से। तो ये मेरी हो रही है 33 इंचेस यहाँ तक। तो वहाँ से लेकर टोटल ये हमें यहाँ नीचे तक मेज़रमेंट लेना है। तो चौड़ाई हमें लेनी है 33 इंचेस। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो इस कॉर्नर से हमें यहाँ नीचे से मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करना है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ तक ये हमारा 4 इंचेस हो रहा है। तो यहाँ से लेके हम सीधा सेकंड साइड तक हम उसका पूरा मेज़रमेंट लेंगे। तो ये यहाँ तक मेरा हो रहा है 60 इंचेस। अब मैं यहाँ से वापस से इसका मेज़रमेंट ले लूँगी। तो यहाँ तक ये हमें 15 इंचेस इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो 60 प्लस 15 यानी कि 75 इंचेस। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 33 इंचेस की वेंथ का ये फैब्रिक कट कर लिया है, और ऐसे इसकी लंबाई ली है 75 इंचेस। अगर आपका फैब्रिक कॉटन का है तो आपको एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए या फिर एक्स्ट्रा सिलाई के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फिक्स मेज़रमेंट लेना है। और ये फैब्रिक मैंने डबल लिया है। अब आपको क्या करना है कि दोनों फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए रखना है इस तरह से। अगर आपका ये वन साइड ओपन है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सामने तक आपको यहाँ सिलाई कर लेनी है, और अगर आपका दोनों साइड ओपन है तो यहाँ दोनों साइड आपको सीधी सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये सिलाई कर ली है। अब आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। तो ये जो हमारा मैट्रेस था, इसकी जो ये विथ थी वो 4 इंचेस थी। आपकी जितनी भी है उतना आपको हाफ करना है। मेरी 4 है तो ये मैंने 2 इंचेस पर यहाँ पर मार्क करूँगी, और सेकंड साइड से भी हम 2 इंचेस पर मार्क करेंगे। अगर आपके मैट्रेस का वेंथ 6 इंचेस है तो वो आपको 3 इंचेस पर करना है। तो इस तरह से आपको इस तरह से स्क्वायर में यहाँ पर मार्किंग कर लेना है, और इसे हम कट कर लेंगे। और ये मार्क आपको यहाँ लास्ट से ही करना है, सिलाई का जगह छोड़कर नहीं करना है। यहाँ से ऐसे ही हम स्क्वायर बना लेंगे। इसे सेम तरीके से हम ये सेकंड कॉर्नर पर भी कर लेंगे, और इसके बाकी के तो दो कॉर्नर हैं वहाँ पर भी हम इसे कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी कॉर्नर को इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर मिडल में जो हमारा हिस्सा है वो जितना आना है उतने साइज़ की आपको ज़िप लेनी है, जैसे कि ये मेरा यहाँ पर हो रहा है 29 इंचेस। कि आपका मैट्रेस जो होगा उसकी जितनी चौड़ाई है ऊपर की साइड से आपको देखना है, उतनी ही ये ज़िप आपको लेनी है। जैसे कि आप यहाँ साइड से देखेंगे तो ये देखिए, जो हमारे मैट्रेस की ये चौड़ाई है उतना ये हमें ज़िप लेना है। इस तरह की ज़िप आपको इजीली किसी भी टेलरिंग शॉप से मिल जाएगी, जहाँ पर ये थ्रेड ऊन वगैरह मिलता है वहाँ पर। अब इसके अंदर आपको इस तरह से रनर को फिक्स कर लेना है। रनर ऐड करने के लिए आपको एक साइड से पहले एंटर करना है, उसके बाद ये सेकंड साइड को इस तरह से अंदर एंटर करके हल्के हल्के से आपको पुश करना है। तो देखिए, बहुत ही इजीली ये हमारा रनर भी इसके अंदर फिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, जिप के साथ इस फैब्रिक को अटैच करना है।
तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ से हमें हल्का सा फोल्ड करना है और ये हम यहाँ पर जिप के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पर साइड में भी एक सिलाई कर लेंगे ताकि यहाँ से भी हमारी अच्छी फिनिशिंग आ जाए और ये हमारा पूरा फैब्रिक और ज़िप अच्छे से बैठ जाए। ये आप ज़िप में रनर ऐड करने से पहले दोनों हिस्सों को अलग रख कर ही दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, और ऐसे आपको आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ज़िप अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने ज़िप को अटैच कर लिया है। ज़िप अटैच करने के लिए मैंने पहले रनर को रिमूव कर लिया है, अब मैं इसमें रनर ऐड कर लूँगी। अब यहाँ पर इसके सेकंड साइड में जो हमारा ओपन हिस्सा है, यहाँ पर हम सीधा यहाँ से सिलाई कर लेंगे। एक साइड हमने ज़िप अटैच की, अब सेकंड साइड हम यहाँ से सीधी सिलाई कर लेंगे यहाँ तक। अब यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके कॉर्नर को इस तरह से हमें पैक करना है। तो किस तरह से करना है देखिए, ये जो हमारा कॉर्नर है इसे आपको इस तरह से पकड़ना है, दोनों साइड से इस तरह से पकड़ के इसे इस तरह से ओपन करें। ये दोनों सिलाई एक दूसरे के एकदम सेंटर में आनी चाहिए, तो इस तरह से हमें पकड़ना है और यहाँ ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा कॉर्नर बन जाएगा। इसी तरह से सेम हम चारों कॉर्नर पर कर लेंगे। इस साइड पर हमारी ज़िप होगी तो वहाँ पर भी हमें सेम इसी तरह से करना है। इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे, दोनों साइड से ओपन करना है और यहाँ ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने चारों कॉर्नर को इस तरह से सिल लिया है और इसे सीधा करके मैंने मैट्रेस के ऊपर लगा दिया है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आ गई है इसकी, आप देख सकते हैं एकदम फिट बैठ गया है ये। ये हमारी ज़िप की साइड, ज़िप की वजह से आप इसे बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़िप नहीं है तो आप यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे मैट्रेस का फाइनल लुक। आप इसे मैट्रेस का कवर बना के भी यूज़ कर सकते हैं और मैं इसे एज अ बेडशीट भी इस तरह से यूज़ करती हूँ, तो आप ये आइडिया भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये मेरी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली, चाहे बच्चे कितना भी खेल ले। अगर आप अपनी बेडशीट को इस तरह से फिक्स करना चाहते हैं, ऊपर आपके सिंगल बेड की बेडशीट रख सकते हैं और नीचे कोई भी पुरानी बेडशीट है या कोई भी कर्टन का फैब्रिक है, ऐसा कुछ भी जो कम पड़ रहा है फैब्रिक, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे ही और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।